इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था, बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। में नहीं आ रहा महारानी कि वो विष पीकर भी कैसे बच गई। हमारे आदमी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। शुक्रांत, नासा ने कभी हार नहीं मानी। जाके नारक से मदद लो। आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें सम्मान के साथ प्रस्तुत करो। से मिलने के लिए क्यों उत्सुक है? इस बात पे मेरी बहुत उत्सुकता है। व्यापारी के साथ तो व्यापार ही हो सकता है ना महासामंत मारक। तो आप कुछ बेचना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं? बेचना चाहता हूँ। क्या बेचना चाहते हैं? जरांत। आप नारक के पास जरांत को बेचने आए हैं? मैं उसे के पास थारस की खानों पर सदैव के लिए एकाधिकार बेचने आया हूं। जारांत के मरते ही थार में अव्यवस्था फैल जाएगी और व्यवस्था स्थापित करने के बहाने आपके सिपाही थार पर अधिकार कर सकते हैं।
यदि ओमियान बीच में आएगा तो क्या होगा? उन्हें महारानी नासा संतुष्ट कर देंगे। तो इसमें महारानी नासा का भी भाग है। महासामंत नारक, मैं महारानी नासा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और राजा, वो जारांत के बगैर अकेली कुछ नहीं कर सकती। और सेनापति बाहुल, उन्हें पहले ही मार्ग से हटा दिया जाएगा। यदि ये सूचना जारांत तक पहुंचा दी जाए तो आप थारस की खानों पर से अपना अधिकार हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और फिर आप तो जानते ही हैं महासामंत नारक, महाराज जारांत हमारे परामर्श पर कितना निर्भर करते हैं। हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए सुक्रांत। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं महासामंत नारक, परंतु स्मरण रखें, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ये बात नारक ही समझता था। वो अपने महल में चुप नहीं रहता, वो जानता था कि नारक ओमियान में हुई हार का बदला अवश्य। तुम्हें एक अत्यंत गुप्त कार्य सौंप रहा हूं। उस एक के अंतरिक्ष क्षेत्र को किसी भी तरह भेद कर तुम्हें यह पता लगाना है कि उसकी योजना क्या है। उस एक के रोबो के साथ संबंध स्थापित करके उसकी योजना का पूरा मानचित्र अपनी स्मृति में लेकर आना है तुम्हें। इस कार्य के लिए तुम्हें उस एक के अंतरिक्ष यान में, जिसमें थारस जाता है, छुप कर जाना होगा। और ये सब कार्य तुम्हें गुप्त रूप से करना है, होशियारी से करना है। Thank you.
उसको क्या हुआ? रोबी, रोबी, रोबी। महासामंत नारक, थार ग्रह का गुप्तचर डोबो हमारी रूबी को बेहोश कर गया और हमारे मॉनिटर रूम से कुछ गुप्त रहस्य लेकर भाग गया है। तो फिर तुम लोगों ने क्या किया? हमारा वैमानिक अपना यान लेकर उसके पीछे गया है, वो उसे कभी भी ध्वस्त कर सकता। अगर आज थार का गुप्तचर हमारे हाथों से निकल गया तो मैं इसी वक्त सारा का सारा सुरक्षा तंत्र ध्वस्त कर दूंगा। जाओ, उस गुप्तचर को पकड़ो और उसे समाप्त कर दो। और अगर नाकामयाब हुआ तो तुम सबको ये कुर्बान समाप्त कर देगा। जाओ। महासामंत नारक, लगता है थार का गुप्तचर भाग निकलने में सफल हो जाएगा। उस रोबो के पास हमारी गुप्त योजना की पूरी जानकारी है। यदि वो इस जानकारी को थार के मारे जारांत तक पहुंचाने में सफल हो गया तब जारांत ये जान जाएगा कि किस तरह उसे एक संग उसे खत्म करके थार पर अधिकार करना चाहता है। और तब उमियान थार के खानों से जीवनदायी थारस के निकालने के समझौते को हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर देगा और फिर दोबारा कभी हमें मौका नहीं मिलेगा। उसे किसी भी कीमत पर हाथों से मत जाने दो। महासामंत नारक, जब हमें थार के खाने से वैसे ही इतना लाभ हो रहा है तो अधिकार करने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी हम एक व्यापारी हैं, व्यापारी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सामन सुमित, नारक के इरादे ब्रह्मांड से कहीं ज्यादा विशाल और इनमें छोटे लाभों के लिए कोई जगह नहीं। महासामंत नारक, जब लाभ नहीं बनने लगता है तो व्यापार के बड़े दिनों शुरू हो जाते। सावन सुमित, हमें अफसोस है कि आप हमारी दोस्ती के काबिल नहीं हैं। महासामंत नारक, शायद सामंत सुमित भूल गए कि छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी है। सामन कुर्मक, सावन सुमित के शेषों को आकाश गंगा में प्रवाहित कर दो। डिब्लू के सुझाव का स्वागत है। महासामंत नारद, थार के सम्राट जारान संतानहीन है। उनकी दोनों पत्नियों में से कोई भी उन्हें संतान का सुख देने में असमर्थ रही है। यदि जारान संतानहीन ही मर गया तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सामंत डिब्लू, लगता है आपको सूचनाएं देर से मिलती हैं।
सामंत कुर्बक, सामंत दिवलू को यह बता दिया जाए कि जयरांत की छोटी रानी रासा गर्भवती है और इस समय संपूर्ण थार एक बहुत बड़ी खुशी की प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा वहां सामंत नारक, यह तो हमें मालूम ही नहीं था। सामंत कुर्बक, होशिन की भविष्यवाणी के अनुसार रासा का पुत्र मेरा संहार होगा। हमें एक ऐसा दूत वहां भेजना चाहिए जो उसके जन्म लेने से पहले उसे समाप्त। महासामंत नारक, आशावर ग्रह का व्यापारी सामंत दिबलू अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहते हैं। सामंत दिबलू के सुझाव का स्वागत है। महासामंत नारक, थार के सम्राट जारान संतानहीन है। उनकी दोनों पत्नियों में से कोई भी उन्हें संतान का सुख देने में असमर्थ रही है। यदि जारान संतानहीन ही मर गया तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सामंत दिबलू, लगता है आपको सूचनाएं देर से मिलती हैं। सामंत कुर्बक, सामंत दिबलू को यह बता दिया जाए कि जयरांत की छोटी रानी लासा गर्भवती है और इस समय संपूर्ण थार एक बहुत बड़ी खुशी की प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा वहां सामंत नारक, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। सामंत कुर्बक, रोशन की भविष्यवाणी के अनुसार रासा का पुत्र मेरा संहारक, अब एक ऐसा दूत भेजो थार में जो उसके जन्म लेने से पहले ही उसे समाप्त कर दे। की जय हो। महारानी नासा को प्रसव नहीं हो रहा है, वो अभी तक प्रसव पीड़ा में है। चित्रांत, महारानी नासा को प्रसव पीड़ा शुरू हुए पर्याप्त समय हो चुका है, मुझे चिंता हो रही है। महाराज, मेरी गणना कहती है कि महारानी नासा के गर्भ से कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। और महाराज, महान आत्माएं आने में समय तो लेती है। महाराज की जय हो। महारानी रासा का प्रसव निकट है महाराज। थार का उत्तराधिकारी शीघ्र ही आपकी गोद में होगा। सुना? शुक्रांत, सुना तुमने? पाहुल, मेरा उत्तराधिकारी आने वाला है। थार का उत्तराधिकारी आने वाला है। रासा के गर्भ से थार का उत्तराधिकारी आने वाला है। शुक्रांत, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रांत को बुला, वही मुझे कोई औषधि देगा जिससे मेरा प्रसव शीघ्र होगा। दवाई पी लीजिए महारानी।
पहली बार थार के वातावरण में मुझे एक तूफान के आने का संकेत सा लग रहा है। मेरी गणना तो कहती है कि यह नाजुक स्थिति कुछ ही पलों के लिए है महाराज, देखते देखते गुजर जाए। महाराज की जय हो। ओसे के महासामंत नारक का दूत अपना अंतरिक्ष यान उतारने की आज्ञा चाहता है। नारक का दूत इस समय? शुक्रांत महाराज, नारक के दूत का इस तरह असमय और अचानक आने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है महाराज वो नारक की तरफ से बधाई लेकर आया हो। सैनिक, दूत को उतरने की आज्ञा दे दी जाए। जो आज्ञा। राजपुरोहित शुक्रांत, महारानी नासा आपको बुला रही हैं। महारानी नासा? आ गया महाराज। आपको कोई कष्ट तो नहीं महारानी जी? पता नहीं कैसी संतान है ये, जो जन्म लेते हुए भी अपनी माँ को कष्ट नहीं देना चाहती। जो पूरे थार को कष्ट से मुक्ति देगा वो भला अपनी माँ को कैसे कष्ट दे सकता है महारानी जी? वो थार का मुक्तिदाता होगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती। मेरे लिए तो माँ बनने का आनंद ही बहुत है। मेरी संतान को थार का सिंहासन नहीं, मेरी गोद ही पर्याप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। महारानी, आपकी संतान अवश्य ही थार की मुक्तिदाता होगी। आपने ही स्वप्न में देखा था ना, थार के रेगिस्तानों में मेघों को बरसते हुए, पक्षियों को गाते हुए, नदियों को बहते हुए और पेड़ों को झूमते हुए। जब से मेरी संतान घर में आई है तब से मैं तो स्वप्न में देखते देखते भीग जाती थी। जैसे वो बरसात स्वप्न में नहीं मेरे ऊपर ही हो रही है, मैं उस बरसात की ठंड अनुभव कर सकती हूँ। शुक्रांत, मुझे कुछ दे दे शुक्रांत, कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी तंत्र मंत्र जिससे कि मेरा ये प्रसव रासा से पहले हो जाए। महारानी, दासिया बता रही थी कि महारानी रासा का प्रसव किसी भी क्षण हो सकता है। महारानी ये लीजिए और इसे पी लीजिए, रासा से पहले आपका प्रसव होगा ये शुक्रांत का वादा है, लीजिए। जारंत की सेवा में अंतरिक्ष संघ के महासामंत नारक का अभिवादन और अभिनंदन। महासामंत नारक के अचानक संदेश भेजने का क्या कारण है दूत? महाराज,
सामान्य स्थिति किसी गंभीर रूप में न बदल जाए, इसीलिए महासामंत नारक ने यह निवेदन भेजा है। आशा करता हूं आप इसे गंभीरता पूर्वक ले। फारस के खानों के लिए हमारा आपसी समझौता समाप्ति पर है, इसलिए महासामंत नारक ने निवेदन किया है कि उसे आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र ही नया समझौता किया जाए। महासामंत नारक भी अंतरिक्ष के नियमों का अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी समझौता समाप्त होने पर नए समझौते के लिए सबको निमंत्रित करना आवश्यक होता है, और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही फारस के खानों पर अगले 100 वर्ष तक के लिए ठेके का अधिकार प्राप्त है। महासामंत नारक भी अंतरिक्ष के हर नियमों से भली भांति परिचित है, किंतु उन्हें इस बार भी विश्वास है कि पिछली बार की तरह इस बार भी सबसे ऊंची बोली होसे का व्यापार संघ ही लगाएगा। इसका फैसला तो तभी होगा जब वो समय आएगा। आप एक बात भूल रहे हैं महाराज, समय महासामंत नारक के अधीन है, वो नहीं, और आप उसे की ताकत से भली भांति परिचित है, इसीलिए आप महासामंत नारक से अनुबंध कर लें। इसमें आपका समय भी बचेगा और परिश्रम भी, और उसके बदले में अनुबंध की शर्तों पर आपको 25% की जगह 30% मिलेगा। नासा स्वस्थ तो है? जी हाँ महाराज। और मेरा बच्चा कैसा है? बच्चा वो क्या, बच्चा जीवित तो है? जी हाँ महाराज, परंतु परंतु क्या? परंतु वो नासा ने अपने पुत्र को जन्म दिया, ओशन की भविष्यवाणी झूठी थी। महारानी नासा तो इसे देखते ही मूर्छित हो गई। इतना भयानक बच्चा पैदा हुआ ये तो महाराज जारांत को पुत्र जन्म की बधाई हो। तो मैं महासामंत नारक को क्या उत्तर दूं महाराज? हमारा उत्तर साफ है, क्या आप भी कुछ कहना सुनना बाकी रह गया है दूत?
अंतरिक्ष में दिए गए वचनों को भंग करना, नियमों का उल्लंघन करना और किसी को भी लालच के मोह में फंसाने का दंड बहुत कठोर होता है। महासामंत नारद की दोस्ती के प्रस्ताव को लालच का नाम देकर आपने अपमानित कर रहे हैं महाराज। ये दोस्ती नहीं मक्कारी है दूत। नारद चाहता है कि हमें गुलाम की तरह उसके सामने घुटने टेक कर उसके कदम चूमे और वो अनंत अंतरिक्ष का स्वामी बनकर हमारी पीठ पर पैर रखकर हम पर हुकूमत करे। कदापि नहीं महाराज, आप मेरे ही सामने मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं। जब आप उनके प्रत्यक्ष होंगे ना, तब आपकी मर्मभेदी वाणी आपका साथ नहीं देगी। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे स्वामी महासामंत नारक को हमारे प्रत्यक्ष मौजूदगी का अनुभव हो चुका है दूत, और आज उन्हें यह भी अनुभव हो जाएगा कि जारांत के पास ना सिर्फ फौलादी सीन और बाजू हैं, बल्कि वो आंखें भी हैं जो पर्दे में छिपे हुए हर राज को भांप लेती हैं। महासामंत नारक, आपके पास देखने वाली आंखें हैं और हम उन आंखों की तारीफ करते हैं, पर कभी कभी देखने वाली आंखें भी धोखा खा जाती हैं महाराज। अभी आप महासामंत नारक की शक्ति से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। जो शक्ति अपराध के समर्थन में हो वो शक्ति अत्याचार कहलाती है महासामंत नारक। शक्ति शक्ति होती है जारान, चाहे वो अपराध का समर्थन करे चाहे शांति का, और जो शक्ति का समर्थन नहीं करते वो इतिहास के कूड़ेदान में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिए जाते हैं। सत्य मेरा धर्म है और सत्य ही मेरी शक्ति है नारक, और सत्य कभी नहीं मिटता। सत्य और धर्म केवल शब्द होते हैं जारान, कमजोर और बुजदिल इंसान सत्य और धर्म की दुहाई देते हैं। हम तुम्हारे इस दुस्साहस की दाद देते हैं जो तुम्हें हिम्मत देकर यहाँ तक ले आई है। हम चाहें तो तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए हम इसी वक्त तुम्हारा कत्ल कर सकते हैं। तो करते क्यों नहीं? केवल शब्द होते हैं जारान, कमजोर और बुजदिल इंसान सत्य और धर्म की दुहाई देते हैं। हम तुम्हारे इस दुस्साहस की दाद देते हैं जो तुम्हें हिम्मत देकर यहाँ तक ले आई है। हम चाहें तो तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए हम इसी वक्त तुम्हारा कत्ल कर सकते हैं। तो करते क्यों नहीं? हम अकेले हैं, निहत्ते हैं। हुक्म दो, तुम चाहो तो हमारी बोटी बोटी करवा सकते हो। आज नारक तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। अफसोस, नारक मेरे सामने इस वक्त एक दूत के वेश में है, और दूत अवध्य होता है। जाओ नारक, हम तुम्हें एक और जीवन दान देते हैं। महाराज, राजनीति कहती है कि हाथ में आए हुए दुश्मन को छोड़ना मौत को दावत देने के बराबर है। पठार की राजनीति ये भी कहती है कि जो आदमी दूत के वेश में आए उसके साथ दूत के जैसा ही सलूक होना चाहिए। जाइए महासामंत नारक, आप स्वाधीन हैं, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि आप फिर कभी कोई नया स्वांग रचकर इस अनंत अंतरिक्ष की शांति को भंग करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। सेनापति बाहुल जी। महाराज, महासामंत नारक को सम्मान के साथ उनके अंतरिक्ष यान तक पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज जारान, तुम्हारी इस चेतावनी और सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद। होगा तेजस्वी
परंतु कड़े संकटों और संघर्षों से गुजरने आएगा लंबा जीवन, परंतु मृत्यु योग है। प्रथम वर्ष 25 वर्ष और 30 वर्ष की आयु में बच गया। बनेगा आर्याना अंतरिक्ष का पहला चक्रवर्ती भार का भाग्य विधाता। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी रासा ने पुत्र को जन्म दिया है महाराज। पुत्र को जन्म दिया? महारानी रासा और बच्चा कैसा है? दोनों स्वस्थ है महाराज। बच्चा कैसा है? आर्याना अंतरिक्ष के सबसे तेजस्वी सूर्य की तरह है महाराज। सच? जी महाराज। मेरा उत्तराधिकारी पैदा हो गया। शुक्रांत महाराज, मेरा उत्तराधिकारी पैदा हो गया। जी जी नो जी। तो मैं मुमा का इनाम मिलेगा। प्रसन्न हूं रहा था कि मैं अपनी प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर सकता। और फिर आज सदियों बाद थार में वर्षा हुई है। थार पूरी तरह से भीग गया है और मैं बिना भीगे कैसे रह सकता हूं रहा था। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, तुम्हें क्या दे दूं? महाराज, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे महारानी नासा कैसी है? मैंने सुना है उनका प्रसव मुझसे पहले हुआ है। उसका स्मरण मत करो नासा। बेचारी नासा के दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं। क्या बात करते हो सामंत पूर्वक? नासा के पुत्र के जन्म का समाचार तो मेरे सामने आया था। रासा के पुत्र की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। आपके जाने के बाद रासा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। थार में, कुरुक्षेत्र में खुशियां मनाई जा रही, और ये सूचना हमें किसी और ने नहीं, ओम्यान से हमारे गुप्तचर राहु ने भेजी। तो ये सूचना राहु ने भेजी है? जी। अगर ये सूचना राहु ने भेजी है तो ये सूचना गलत नहीं हो सकती। सामंत पूर्वक हमें शीघ्र से शीघ्र उस बच्चे को समाप्त करना होगा।
दैत्यों की होश इनकी भविष्यवाणी के अनुसार राजा का पुत्र मेरा संहारक होगा। आज सदियों बाद थार में बरसात हुई है, ये बरसात तू लाया। महारानी, महारानी, बच्चे को दूध पिलाने का समय हो गया है। ले जा इसे मेरी आंखों के सामने से। इतना कुरूप, इतना विभत्स, इसे मेरे पास लाने से अच्छा है इसे किसी अनाथालय में भिजवा दे या मरवा कर गाड़ दे इसे। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? माँ के लिए पुत्र कैसा भी हो, पुत्र ही होता है। ये पुत्र नहीं, अभिशाप है। इस कुरूप मांस के लोथड़े को कौन सिंहासन पर बिठाएगा? कुरूपता इस अबोध का अपराध नहीं है महारानी, इसमें इसका क्या दोष? इसका दोष ये है कि इसने मेरे सारे सपनों को भस्म कर दिया है। फेंक दे इसे आग में, फेंक दे। आप यदि इसे अपना दूध नहीं पिलाना चाहती तो मुझे आज्ञा दें, मैं इसे अपना दूध पिलाऊंगी। दूध नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मेरी आंखों से दूर कर इसे। तो अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, समय आ गया है तुम्हारे प्रस्थान का। अंतरिक्ष यान तैयार खड़ा है तुम्हारे जाने के लिए। जीवित है। होशी ने आशीर्वाद भेजा है, मेरा पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है। युवराज को देखना चाहता है। जीनो, इसे अंतपुर में ले जा और थार के भावी सम्राट के दर्शन करा दे। वहां पे कोई शरारत मत करना। खेलने के लिए साथी मिल गया? अरे टोबो महाराज, वो अभी बहुत छोटे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम छोटे हो मुझे पता है। अच्छा आओ चलो। आज्ञा हो तो मैं इसे झूले में लिटा दूं? नहीं, इसे यहीं रहने दो। इसका पेट तो भर गया, मगर मेरा पेट नहीं भरा इसे देखकर। नासा और उसका बच्चा कैसे है? हाँ हाँ, पता है उसका बच्चा कुरूप है। महारानी, नासा के महल में तो मातम जैसा माहौल है महारानी। ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारी कितनी आशा लगाई थी। विदाता ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो वो ऐसा नहीं कहते, वो महारानी है। विदाता को क्यों दोष देती हैं आप? महारानी नासा के मन की क्रूरता ही उनके संतान मन के प्रकट हुई है। सुना है आपसे पहले प्रसव करने के लिए उन्होंने अपने पेट पे घूंसे बरसाए थे। गर्भस्थ शिशु पर इतना अत्याचार। बच्चा जीवित पैदा हुआ
यही चमत्कार है महारानी। यद्यपि उसका जीवित रहना व्यर्थ है, जीवन भर अपनी कुरूपता का मूल्य चुकाता रहेगा बेचारा। सुन, मैं महारानी के पास जाऊंगी, इस घड़ी में उन्हें सहारे की आवश्यकता है। नहीं तो वो तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। मेरी मानिए तो आप मत जाइए महारानी। महारानी नासा यही समझेगी कि आप उनके दुर्भाग्य पे हंसने आई हैं। तू तो सब पे संदेह करती है। अरे ऐसे अवसरों पर ही तो परिवार काम आता है, ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सके। तू मुझे सहारा दे, मैं महारानी नासा से मिलने जरूर उनके महल में जाऊंगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ महारानी। तू क्या समझती है, अगर तू मुझे सहारा नहीं देगी तो क्या मैं नहीं जाऊंगी? तो ठीक है महारानी, आप युवराज को मत लेके जाइए अपने साथ। ठीक है चल। ए जोबो, चुप कर। युवराज की निगरानी बहुत ध्यान से करना। चुप करना, चुप कर टोबो, और उसे लोरियां सुनाने की कोशिश मत करना। आया समझ में? तुम मेरे खाप पर थूकने आई हो। तुम अब तो थार का सिंहासन तेरे पुत्र का ही होगा, अब क्या लेने आई हो यहाँ पर? आप कैसी बातें कर रही है महारानी? मुझे जैसे ही सूचना मिली मुझे बहुत दुख हुआ, मैं तो यहाँ आपका दुख बांटने आई थी। मेरा दुख पड़ा हुआ है पालने में, ले देख ले, और बांट सकती है मेरा दुख तो बांट ले मेरा दुख। बोल बोल, तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए उसका? हाथ, पैर या सर? बोल बोल, क्या चाहिए क्या तुझे? आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, परंतु आप उसका दंड मुझे मत दीजिए, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। रहने दे ये झूठी संवेदना, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं ना। सुना है कि बड़ा सुंदर है तेरा पुत्र। खुद भी तो कितनी सुंदर है, इसीलिए तो महाराज का मन तुझ पर आ गया। तभी तो तेरे पिता का वध करके उन्होंने पिता की अनुमति से हुआ था। जब महाराज जारान ने नारक को मारकर भगा दिया था, मैं तो मात्र उस विजय का उपहार हूँ। मगर फिर भी वो तुझे अधिक प्यार करते हैं, और अब तो प्यार करने का एक और कारण पैदा हो गया है। महारानी अब चलिए, आपका शरीर अभी कमजोर है, शरीर पे इतना जोर देना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए महारानी।